अब बच्चों हम लोग टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। टाइम एंड वर्क में हमेशा याद रखना, जब भी कहीं पे कुछ काम हो रहा होता है, कोई चीज भर रही होती है, यू हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट द क्वेश्चन इन यूनिट ऑफ वन। मतलब जैसे अगर दे रखा हो कि एक लेट से बुक लिखने में, या कह लो कि एक घर को पेंट करने में 10 आदमी को 5 दिन लगते हैं, ठीक है? 10 आदमी को 5 दिन लगते हैं, तो अगर 20 आदमी लग जाएंगे तो क्या होगा, या इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। या एक ही काम को, एक घर को पेंट करने में एक आदमी को लगता है 10 दिन, और एक लेट से विमेन को लगता है 11 डेज। तो अगर दोनों काम करेंगे एक साथ तो कितना टाइम लगेगा। ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वॉट यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू वन यूनिट, कि एक दिन में कितना होगा, और फिर उसको आगे चलते हैं, सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। अब देर आर सम फॉर्मूलाज विच आर गिवेन, जो हम आपको बताएंगे टू क्विकन योर होल कैलकुलेशन स्पीड, बट इसको लॉजिकल वे से भी आप कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है हमें फॉर्मूला लगाना ही है, हम पहले लॉजिकल समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम अपना फॉर्मूला भी देख लेंगे। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी बोथ टेक टू कंप्लीट द वर्क। हाँ, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक। बी कैन कंप्लीट यही सेम अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। नाउ हाउ मच टाइम विल बोथ ए एंड बी टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो ए प्लस बी कितने टाइम में करेंगे वो निकालना है। अब जो अपना लॉजिक मेथड है कि ए 8 डे में करता है, तो एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क विल बी 1/8। अगर मैं इस पूरे घर को, चारों दीवारों का घर है, मैं 8 दिन में बनाता हूं, तो एक दिन में 1/8 कंप्लीट कर पाऊंगा, राइट? और बी का 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/6, वो टोटल काम 6 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में 1/6 काम कर रहा होगा। तो दोनों 1 डे वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी कितना हो जाएगा, ऑफ ए प्लस बी विल बी ए का 1 डे का वर्क प्लस बी का 1 डे का वर्क। इसको आप ऐड कर लो, ये ए और बी दोनों का 1 डे का वर्क हो गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 48, या इनफैक्ट 24 एलसीएम आ गया। 24 एलसीएम हुआ, ऊपर आएगा 3 + 4, नीचे है 24, तो हो गया 7/24। ये 1 डे में ए और बी 7/24 वर्क कर रहे हैं, तो एन ए भी कितना हो जाएगा, दोनों मिलके कितना कर लेंगे, 1/7/24। इसको उल्टा कर दो तो 24/7 दैट इज 3 3/7 डेज में ये पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी का जो पहला रिजल्ट है जो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, कि जब भी वर्क वाला क्वेश्चन हो जिसमें दो लोगों का वर्क दिया हो, तो हमें पता है कि उनका दोनों का वर्क विल बी इक्वल टू एक का वर्क 1 डे का प्लस दूसरे का 1 डे का वर्क। दोनों का एडिशन में 1 डे का वर्क विल बी 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी। अब इसी चीज को आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, बट हमने पहले लॉजिक वाला समझा यूनिटरी मेथड से, जो अपन पहले सीखे थे बचपन में। फिर हमने इसका पहला फॉर्मूला भी देख लिया। वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला टू गेट द आंसर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ ए इज ट्वाइस एज गुड एज द वर्कमैन एज बी, एंड टुगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल फिनिश द वर्क। तो ए जो है वो सीधा ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, 1/NAB इज इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। ये हमें दिया हुआ है दोनों मिलके 18 दिन में कर रहे हैं। NA को मैं x ले लेता हूं, तो NB हो जाएगा
क्योंकि ए जो है हमें दिया हुआ है, ए इज ट्वाइस एंड बी को एक्स ले लो, ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, ट्वाइस एज गुड, तो ये हाफ में काम करेगा, तो एन बी क्या हो जाएगा, टू एक्स। अगर ये इसका ट्वाइस है तो ये एक हाफ में काम कर रहा होगा, अगर ये अच्छा है तो ये उसके ट्वाइस में काम कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे आप एक्स ले लो प्लस 1/2x विच विल बी 1/18 इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 1 + 2 = 3/2x विच विल बी x इज इक्वल टू 27। तो 27 डेज मेरा आ जाएगा इन विच ए अलोन कैन डू द वर्क इन। इस क्वेश्चन में मैं क्या दिया हुआ है, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 डे। ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ए का 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज। ठीक है, तो वन वर्क मतलब पूरा वर्क वो कितना कितने डेज में करेगा, 5/1/3 डेज में, विच इज 15 डेज में। 1/3 वर्क वो 5 डेज में कर रहा है, तो पूरा वर्क कितना करेगा, 15 डेज में। ये मैंने यूनिटरी मेथड से निकाल के दिखा दिया। और बी जो है, बी 2/5 ऑफ वर्क कर रहा है इन 10 डेज, तो वन वर्क बी कितने डेज में करेगा, 10/2/5 विच विल कम आउट टू बी 5 × 5 25 डेज। निकालना क्या है, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी कैन टूगेदर डू द वर्क, तो सीधा सीधा अपना फॉर्मूला लगाएंगे, 1/NAB इज इक्वल टू 1/NA प्लस 1/NB। इस फॉर्मूले में ये याद रखना कि पूरा वर्क चाहिए हमें, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप डाल दो 1/3 का 5 और 2/5 का 10, तो नहीं होगा। एक दिन में कितना आप कर सकते हो, या टोटल वर्क आप कितने दिन में कर सकते हो, टोटल वर्क मैं कितने दिन में कर सकता हूँ वो डालना है, या 1/ मतलब एक दिन में मैं कितना कर सकता हूँ और आप कितना कर सकते हो वो डालना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/15 प्लस 1/25। इसको सॉल्व करेंगे, मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 75, यहाँ 15 5 25 3 8/75, ये हम दोनों का एक दिन का वर्क हो गया, तो टोट ए एंड बी कैन टूगेदर डू इट इन 75/8 विच इज 9 3/8 डेज में ये दोनों मिल के वो काम कर सकते हैं। बट अब देखो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए कैन अलोन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। मतलब हमें ये पता है अगर ए अलोन 6 डेज में कर रहा है तो 1/NA हमें पता है 1/6 है, और बाय एंगेजिंग एन असिस्टेंट दे कैन कंप्लीट द टोटल वर्क इन 4 डेज। तो मतलब ये 1/4 दिया हुआ है। अब अगर मुझे देखो अगर मुझे बताना है कि कितने पैसे असिस्टेंट को दिए जाएं, तो पहले अभी तो देखना पड़ेगा कि कितना काम बी कर रहा है। तो ए और बी का काम का रेशियो जो होगा उतने में आपको डिवाइड करना होगा पूरे पैसे को, है ना। अगर ए है वो ज्यादा काम कर रहा है, बी जो असिस्टेंट है वो कम काम कर रहा है, तो पैसा भी तो उसी रेशियो में डिवाइड होगा, राइट। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, वन बाय एन ए बी क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/NB हो जाएगा 1/4 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/NB। ये हुआ एलसीएम लिया, 6 - 4 = 2 या 12 ले लो, 3 - 1 तो 1/12 हो गया 1/NB। अब देखो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए टू वर्क डन बाय बी वो कितना है, ए 6 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, मतलब एन ए बाय एन बी जो है वो है 1/2। ए 6 दिन में कर रहा है और वही चीज बी 12 दिन में कर रहा है, राइट। तो
अब मैंने इसका वो निकाला रेशियो, तो आ गया 1/2। मतलब मुझे टोटल पार्ट जो है उसको इस फॉर्म में डिवाइड करना पड़ेगा कि ट्वाइस अमाउंट ए के पास आए और हाफ अमाउंट बी के पास जाए। अब देखो इसमें क्या है, एन ए बाय एन बी, कि जितना काम ये एक दिन में करता है उतने के लिए इसको 2 दिन लगते हैं, तो जितना रुपए इसको एक दिन में मिलेगा उतना रुपए उसको 2 दिन में मिलेगा। तो आंसर वुड बी ए को मिल जाएगा, ए शेयर विल बी 200 एंड बी शेयर विल बी ₹100। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। मतलब 1/NA प्लस 1/NB हमें 1/8 दिया है पहली इक्वेशन। बी और सी कर सकते हैं, 1/NB प्लस 1/NC। बी और सी कर सकते हैं 1/12 डेज में, और ए बी सी तीनों कर सकते हैं 1/6 डेज में। ठीक, अब आप देखो अगर मैं ऊपर वाली पहली दो इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो मेरे को मिलेगा 1/NB प्लस 1/NA प्लस 1/NB प्लस 1/NC और इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12। और इतने की वैल्यू तो अपने को पता है 1/6 है, और ये हो जाएगा 24, तो 5/24 हो गया। ये इधर ले जाओ, 1/NB हो जाएगा 5/24 माइनस 1/6 विच विल बी इक्वल टू 1/NB हो जाएगा 1/24। अब मुझे ए और सी टुगेदर चाहिए, तो अब मैं 1/NA प्लस 1/NB, NB की जगह मैं वो डाल देता हूँ 1/24, तो 1/NA प्लस 1/NC प्लस 1/24, ये सब मिल के कर सकते थे 1/6 में, तो 1/NA प्लस 1/NC कितना हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/24 विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू 3/24 1/8, दैट इज इक्वल टू 8 डेज में वो लोग साथ में कर सकते हैं, है ना। सर अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ, मैन अ वुमेन एंड अ बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज 9 डेज और 18 डेज। मैन का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 1/6, वुमेन का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/9, और बॉय का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/18। और हमें बोलना है कि हाउ मेनी बॉयज कैन शुड असिस्ट मैन एंड वुमेन, सो दैट एक मैन और एक वुमेन और सम सेट ऑफ बॉयज कैन कंप्लीट दिस होल वर्क इन 1 डे। अकेला मैन 6 डेज में कर रहा है, अकेली वुमेन 9 में कर रही है, बॉय 1/18 में कर रहा है। अब वो बोल रहा है एक वर्क को वन मैन और वन वुमेन कर रहे हैं, उसमें कितने बॉयज और ऐड करे जाएं कि वो पूरा वर्क एक दिन में कंप्लीट हो जाए। लेट एक्स बॉयज बी एडेड, तो एक्स बॉयज का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, एज्यूमिंग दैट ईच बॉय इज डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क, सो एक्स बाय 18, 1 डे का वर्क 1 बॉय का 1/18 है, तो एक्स बॉयज का कितना हो जाएगा 1/18 इंटू एक्स, मतलब एक्स बाय 18। ये सब मिलके 1 डे में पूरा वर्क कर रहे हैं, पूरे सबको मिला दो तो 1 डे का वर्क हो रहा है, मतलब इच दिस इज इक्वल टू 1। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्स बाय 18 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लो 18, 3 + 2 = 5, राइट, तो 5/18, तो एक्स बाय 18 इज इक्वल टू 18 माइनस 5/18, तो x क्या आ जाएगा 18 माइनस 5 विच इज 13, सो टोटल ऑफ 13 बॉयज शुड बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ चाइल्ड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स स्लोअर देन अ वुमेन, चाइल्ड वर्क्स फॉर 18 आवर्स ऑन द जॉब एंड देन वुमेन टेक्स ओवर फॉर 6 आवर्स, इन दिस मैनर दे कंप्लीट
3/5 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, यहाँ पे 3/5 में मिस हो गया। अगर ये ऐसे काम करेंगे तो 3/5 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। टू कंप्लीट द जॉब नाउ हाउ मच टाइम वुड द वुमेन टेक, ये 3/5 मिसिंग था, ठीक है। 3/5 ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। टू कंप्लीट द जॉब, जो बची हुई जॉब है, हाउ मच टाइम विल वुमेन टेक, ये हमें निकालना है। नाउ लेट वुमेन टेक एक्स आवर्स टू कंप्लीट द वर्क, सो 1 आवर में वो कितना वर्क कर लेगी, 1/5, क्योंकि वर्क 1 यूनिट में ही हो रहा है। 1 आवर में 1 यूनिट वर्क है, डिवाइड बाय एक्स, 1x ऑफ वर्क कर लेगी। चाइल्ड टेक्स 15 आवर्स मोर, तो कितना टाइम हो गया, x+15। 1 आवर में चाइल्ड कितना वर्क कर लेगा, 1 वर्क का x+15, करेक्ट। और अब वो बोल रहा है कि वो दोनों मिलके 18 आवर्स वर्क करे चाइल्ड और 6 आवर्स वर्क करे विमेन, तो वो 3/5 ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करके मैं एक्स निकाल सकता हूँ, विच इज द टाइम टेकन बाय विमेन टू कंप्लीट द वर्क। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, 18x प्लस 6x प्लस 6 इंटू 15 क्या हो गया, 90 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 3/5। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 90x प्लस 30x प्लस 4500 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 45x, ठीक। अब ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस, ये इधर आया माइनस 45 माइनस, तो ये हो गया माइनस 75x, इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 75x और माइनस 450। 3 कॉमन निकालो, x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 150, ठीक है 150 ये आ गया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इन सच अ वे कि हमें प्रोडक्ट में माइनस 350 मिले और डिफरेंस माइनस 25 हो, तो ये हो जाएगा माइनस 30x प्लस 5x माइनस 150, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 और माइनस 5। अब वर्क नेगेटिव आवर्स तो हो नहीं सकते, तो विमेन विल टेक 30 आवर्स, और टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क कितना टाइम लगेगा, टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इट शी विल टेक 30 आवर्स इनटू कितना वर्क बचा है, 2/5 ऑफ वर्क, 3/5 कंप्लीट हो गया तो कितने बचेगा, 2/5 ऑफ वर्क। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि विमेन विल टेक 12 मोर आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है हमें, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। ए को 12 डे लगेगा, बी को 18 डे लगेगा रिस्पेक्टिवली। तो ए का 1 डे का वर्क क्या हो गया, 1 डे वर्क इज 1/12, और बी का 1 डे का वर्क क्या हो गया, 1/18, ठीक है। ए बिगिंस टू डू द वर्क एंड दे वर्क alternately वन एट अ टाइम फॉर 1 डे ईच, द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन बाद ये पूरा काम खत्म हो जाएगा, ये हमें निकालना, ठीक है। अब आप देखो अगर ये अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं तो एक दिन में ये दो दिन में, मतलब एन ए बी, एक दिन ए ने काम करा प्लस एक दिन बी ने काम करा, तो कितना काम हो गया दो दिन में वो निकालते हैं। इसमें एलसीएम आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 3+2, तो 5/36 इन्होंने काम कर लिया एक यूनिट, मतलब जब मैंने एक दिन ए ने करा एक दिन बी ने करा तो दोनों ने मिलके 5/36 काम कर लिया दो दिन में। अब 7 डेज में दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, एन ए बी, इसका मतलब 7 डेज, मतलब 7 डेज ऑफ ए प्लस 7 डेज ऑफ बी, राइट, 7 डेज ऑफ ए प्लस 7 डेज ऑफ बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 बाहर आ गया, एक दिन का इतना था, तो ये हो गया 35/36। 7 डेज का मतलब हुआ कि एक दिन ए ने करा फिर दूसरे दिन बी ने करा, 7 डेज ऑफ ए प्लस 7 डेज ऑफ बी, इतना आ गया। अब कितना काम बचा, रिमेनिंग वर्क देखो कितना है,
It is 1 minus 35 by 36, which is 1 by 36. अब इतना काम बच गया. और टर्न किसकी है? A की. तो A can do 1 by 36 work in 1 by 36. और A का एक दिन का कितना है? 1 by 12. वो एक दिन में इतना काम कर लेता है, तो बचा कितना? 12 by 36, मतलब 1/3 ऑफ अ डे में ए 1/36 जो बचा वो कंप्लीट कर देगा. तो अब दोनों को मिलके टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट कितना हो गया? टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क हो गया 7 डेज ऑफ बी प्लस 7 1/3 डेज ऑफ ए. टोटल इन्हें टाइम लग रहा है 14 1/3 डेज, है ना. 7 दिन बी को लगा पूरा पूरा, 7 दिन ए को लगा पूरा पूरा. और क्योंकि ए की चांस थी नेक्स्ट डे में, तो ए को 1 time और लगा टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. तो टोटल टाइम अपना कितना हो गया? 14 1/3. ए का 1 day का वर्क हो गया 1/10, बी का 1 day का वर्क हो गया 1/12, सी का 1 day का वर्क हो गया 1/15. अब ये तीनों लोगों ने काम चालू करा और एक दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया? इतना. और ये कह रहा है कि ये 2 दिन तक काम करे सब लोग साथ में, और फिर ए चला गया. अब 2 दिन में कितना काम हो गया ये हम निकाल सकते हैं. 1 day का इन तीनों का वर्क इंटू 2, तो हो जाएगा 2 into, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा I think 60, तो 6 + 5 + 4 which is 2 into. सर, बट ए ने छोड़ा है ना सिर्फ 2 दिन बाद. हाँ, तो पहले 2 दिन का देखें तो कितना काम करते हैं 2 दिन में. तो हाफ वर्क कंप्लीट हो गया 2 दिन में. 2 दिन तक इन्होंने काम करा, आधा वर्क कंप्लीट कर दिया. अब ए चला गया, ठीक है. हमें बताने टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा. अब वर्क बचा कितना 2 दिन के बाद? हाफ वर्क इज रिमेनिंग, है ना. अब हमें देखना है कि ये जो हाफ वर्क है ये कब तक कंप्लीट होगा. तो अब आप देखिए, B leaves 3 days before the work is finished. B 3 दिन पहले चला जाता है before the work is finished. B का 1 day का work कितना था? 1/12. तो B का 1 day का work था 1/12 और वो 3 दिन पहले चला जाता है. तो C का 1 दिन का work कितना है? 1/15. 3 दिन में C कितना work कर लेगा? 3 into 1/15 करेगा. जब B चला जाएगा तो अकेला सी कितना वर्क कंप्लीट कर पाएगा? 1/5 ऑफ वर्क. हाफ कंप्लीट हो चुका है 2 दिन में. 3 दिन जो एंड के हैं उसमें उसने 1/5 कंप्लीट करा. अब रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क है 1/2 + 1/5 और 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 - इतना. तो रिमेनिंग वर्क बचा 1/2 - 1/5 विच इज 3/10. 3/10 रिमेनिंग वर्क है, ठीक है. और ये 3/10 जो वर्क है वो बी और सी साथ में करने वाले हैं. हुआ क्या, ए बी सी तीनों ने हाफ वर्क करा, फिर उसके बाद एंड के 3 दिन, ये 2 दिन में इतना वर्क हो गया हाफ वर्क. एंड के 3 दिन में 1/5 ऑफ वर्क हुआ क्योंकि तब सिर्फ सी था, यहाँ पे ए बी सी दोनों थे. ये बीच वाले टाइम में जिसमें 3/10 वर्क बचा है जो, उसमें बी और सी दोनों कर रहे हैं. बी और सी दोनों 3/10 वर्क कितने दिन में कर देंगे उसके लिए हम पहले, बी और सी जब अकेले एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं ये निकाल लेते हैं. तो 1/10 + 1/15 एलसीएम आ जाएगा 30, ऊपर हो जाएगा 3 + 2/30 विच इज 5/30 विच इज 1/6. तो ये दोनों यहाँ पे बी 1/12 है तो यहाँ 12 ले लेते हैं. 1/12 + 1/15 ये करते हैं इसको सॉल्व. और अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम और ऊपर क्या आ जाएगा 12 5 और 4 तो ये हो गया 9/60 विच इज 3/20. ये इनका एक दिन का वर्क है 3/20 और इन्हें काम करना कितना है? 3/10 काम करना है,
एक दिन में कर रहे हैं 3/20 वर्क, तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा जो बचा हुआ काम है उसके लिए, 3/10/3/20, 3 कैंसिल हो जाएगा, 20/10 विच इज इक्वल टू 2 डेज. अब टोटल टाइम कितना हो गया, 2 डेज शुरू में, 2 डेज उसके बाद जब बीसी दोनों काम कर रहे हैं, और 3 डेज सिर्फ सी के, तो टोटल टाइम टेकन कितना आ गया अपना, 7 डेज.